एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दो प्रोटोटाइप फंक्शन है, एक मॉडिफाई एरे और दूसरा है मॉडिफाई एलिमेंट। मॉडिफाई एरे में दो इनपुट आर्ग्यूमेंट हैं, इंट बी और आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, और दूसरा साइज अंडरस्कोर टी डाटा टाइप का, साइज नाम का वेरिएबल है। जो मॉडिफाई एलिमेंट है उसमें एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल इनपुट में लिया जा रहा है, और दोनों के पहले वॉइड, ये मतलब दोनों ही एरे हैं, ये वॉइड टाइप रिटर्न करेंगे। देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में एक ए नाम का वेरिएबल है, ए नाम के एरे है जिसमें वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 दी गई हैं, उसको इनिशियलाइज किया गया है। उसके बाद में हम जो एरे है उसको प्रिंट कर लेते हैं, और उसके बाद में उस एरे को प्रिंट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम मॉडिफाई एरे नाम के फंक्शन के को कॉल करते हैं, उसमें एरे को भेजते हैं और साइज़। यहाँ जब एरे को भेजते हैं तो सिर्फ एरे का वेरिएबल नेम देते हैं, जो आइडेंटिफायर नेम है उसकी साइज नहीं बताते, साइज अलग से आर्ग्यूमेंट में हमने भेजी है। देन हम क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद में इसमें एक और फॉर लूप लगाया है जिसमें हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं। एरे को एक फंक्शन कॉल में भेजा है, वो फंक्शन कॉल में जो करेगा करेगा, मॉडिफाई एरे नाम का फंक्शन है जो हम देखेंगे क्या करेगा। उसके बाद में हम एरे को फिर से प्रिंट कर रहे हैं। देन एक एलिमेंट है उसको प्रिंट कर रहे हैं, एरे ए का थर्ड एलिमेंट जो है, और उसको मॉडिफाई एलिमेंट फंक्शन के पास भेज रहे हैं, और उसके बाद उस वेरिएबल को फिर से प्रिंट कर रहे हैं। तो मॉडिफाई एरे नाम का फंक्शन है वो क्या कर रहा है, तो उसके अंदर एरे के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मॉडिफाई एलिमेंट है उसमें उस एरे के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया जा रहा है। हम इस फंक्शन को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये फंक्शन है, ये प्रोग्राम है, में ये दोनों एरे हैं, एंड मेन फंक्शन है, एरे ए को इनिशियलाइज किया, डिफाइन करके इनिशियलाइज किया, एरे ए को प्रिंट किया गया, देन मॉडिफाई एरे फंक्शन को कॉल किया गया, फिर एरे को प्रिंट किया गया, देन एरे का थर्ड एलिमेंट ए 3 प्रिंट किया, फिर मॉडिफाई एलिमेंट फंक्शन को कॉल किया जिसमें इनपुट आर्गुमेंट ये थर्ड एलिमेंट है, देन उस एलिमेंट को फिर से प्रिंट किया। उसके बाद मॉडिफाई एरे फंक्शन है, उसके अंदर एरे के हर वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन मॉडिफाई एलिमेंट फंक्शन है जिसमें उस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया गया। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, रन किया। तो रन करने पर हम देखते हैं एरे जो ओरिजिनल एरे थी उसके वैल्यू 0, 1, 2, 3 प्रिंट किए हैं। तो बाद फंक्शन को कॉल किया गया था, उसके बाद में फिर से प्रिंट की, तो एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुका है। मतलब मॉडिफाई फंक्शन जिसमें एरे को कॉल किया गया था वो एरे के वेरिएबल्स को चेंज कर देता है। बाद में वेरिएबल देखें तो ए 3 वेरिएबल की वैल्यू 6 प्रिंट किया, फंक्शन में भेजा तो वो वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में 12 हो गई, लेकिन मेन फंक्शन में वापस आया तो उस वेरिएबल की वैल्यू फिर पुरानी वैल्यू ही थी, 6 ही थी। तो इसमें क्या है, जब हम एरे को फंक्शन में पास करते हैं, एरे को फंक्शन में पास करते हैं, मतलब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें इनपुट वेरिएबल इनपुट आर्ग्यूमेंट के रूप में एक एरे लेते हैं, तो हम सिर्फ एरे का नाम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ एरे ए है तो उसका सिर्फ वेरिएबल नेम, एरे का नाम है वो हमने फंक्शन के अंदर इनपुट के रूप में लिखा। यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि जो करेक्टर एरे होती है उसका टर्मिनेशन हमें पता है कि नल करेक्टर पे उसका टर्मिनेशन होगा, लेकिन बाकी एरे होते हैं उनमें ऐसा कोई टर्मिनेटर नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि एरे कहाँ टर्मिनेट होगी। इसलिए हम इस फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो हम साइज इनपुट के रूप में दे देते हैं, जिससे फंक्शन को पता रहे कि ये एरे कितनी बड़ी है। यहाँ एक पूरा कमेंट समझते हैं, सी ऑटोमेटिकली पासेज एरेज टू फंक्शन बाय रेफरेंस। सी प्रोग्रामिंग में जब हम एरे को किसी फंक्शन में भेजते हैं तो इसको हम फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरे का जो कॉल है वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। किस तरह से होता है, तो जो कॉल्ड फंक्शन है
उसमें हमने एरे का ना वेरिएबल नेम लिखा है, या वेरिएबल नेम है वो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फंक्शन है उसके पास उस ओरिजिनल एरे का एड्रेस चला गया है, और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यूज हैं उनमें अब जब हम उन वैल्यूज को वेरी करेंगे तो वो उन वैल्यूज को चेंज करेंगे तो वो उन स्पेसेस पे जो एड्रेस है उस पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जब हम हमारा कंट्रोल वापस जिस फंक्शन से कॉल किया वहाँ वह आता है, जैसे अपने यहाँ के एग्जांपल में मेन फंक्शन था, तो वो फंक्शन जब उन्हीं वैल्यूज को रीड करता है तो ओरिजिनल एड्रेस पे जो वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं उनको रीड कर रहा है। इसलिए मेन फंक्शन के पास या जिस फंक्शन से कॉल कर रहे हैं उसके पास वो मॉडिफाइड वैल्यूज उसको मिलती हैं जो फंक्शन में मॉडिफाई हो गई थी। तो इस तरह से जब किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं और फंक्शन की वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू पास होने के बजाय उस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन पास हो जाता है, एड्रेस पास होने का मतलब है मेमोरी लोकेशन चला गया है, मेमोरी में कहाँ पर वो वेरिएबल लिखा हुआ है ये उस फंक्शन के पास चला गया है, तो इसको हम कहते हैं कॉल बाई रेफरेंस। ऑल्दो एंटायर एरे आर पास्ड बाई रेफरेंस, इंडिविजुअल एरेज एलिमेंट्स आर पास्ड बाई वैल्यू, लेकिन जब हम इंडिविजुअल वेरिएबल को भेजते हैं, जैसे हमने A3 यहाँ भेजा है, तो यहाँ सिर्फ ये वेरिएबल की वैल्यू गई है, उसका एड्रेस नहीं गया, तो ये इसको कहते हैं कॉल बाई वैल्यू। इस तरह से जब सिंगल एलिमेंट को जब हम किसी फंक्शन में भेजते हैं या सिंगल वेरिएबल को हम किसी फंक्शन में भेजते हैं तो उसको हम कॉल बाई वैल्यू कहते हैं, और ये उसी तरह बिहेव करेगा जैसे एक सिंपल वेरिएबल कॉल करता है। इस तरह के जो सिंगल वेरिएबल होते हैं, मतलब किसी भी एरे का कोई सिंगल एलिमेंट है, उसको हम स्केलर्स कहते हैं, स्केलर कहते हैं, अदिस स्केलर कहते हैं। जब किसी एरे का हमें कोई सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भेजना है तो हम उसका सबस्क्रिप्ट भी भेजते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम है उसके साथ उसका एलिमेंट नंबर क्या है वो भी इनपुट आर्गुमेंट के रूप में भेजते हैं। जैसे यहाँ वेरिएबल का नाम ए है, मतलब एरे का नाम ए है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा, मतलब उस एरे का थर्ड एलिमेंट हम भेज रहे हैं। जब हम एक फंक्शन में कोई एरे रिसीव करते हैं, किसी फंक्शन में कोई एरे आती है, तो हम वहाँ पर उस एरे की साइज वहाँ नहीं बताते, पैरामीटर लिस्ट में जब एरे को हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसके आगे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, और वो स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप कंपाइलर चेक कर लेता है कि इसमें कितने वेरिएबल नेम्स आने हैं, उतने ये ले लेता है। यदि हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ मान लें 20 लिख दिया, लेकिन इनपुट आर्गुमेंट के रूप में 5 वेरिएबल्स आए, तो ये आगे के एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली जीरो कर लेता है। मतलब जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, वहाँ पर जितने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, उसके यदि उस एरे की साइज़ ज़्यादा है तो जितने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया उनकी वैल्यू हो जाती है, बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जितने हमने यहाँ पर यदि नंबर लिख दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर नंबर लिख दिया, तो वो नंबर डिसाइड करेगा कि जो इनपुट में एरे आ रही है वो यदि उस नंबर से छोटी है तो उतने वेरिएबल्स को उतने एलिमेंट्स में वो एरे के नंबर स्टोर होंगे और बाकी में जीरो हो जाएगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। एक एरे है ए, उसको 3 एलिमेंट्स हैं 10, 20 एंड 30, और फिर एक फंक्शन को कॉल करते हैं ट्राई टू मॉडिफाई एरे। इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है, इसमें इनपुट आर्गुमेंट है वो इंटीजर एरे होने की बजाय कॉन्स्टेंट इंटीजर एरे है, कॉन्स्टेंट CONST, और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि इसको जो वैल्यूज हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगी। लेकिन उस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर
उन वैल्यूज को दो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको टू से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फंक्शन को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं एक बार। तो ये प्रोग्राम है जिसमें ट्राई टू मॉडिफाई नाम एरे नाम का एक फंक्शन है और उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, उसके अंदर हर एलिमेंट की वैल्यू को टू से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाइल, ये तो कंपाइल ही नहीं हुआ, ये कंपाइल नहीं हुआ। यहाँ कारण क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि ये रीड ओनली है, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं वो रीड ओनली होती हैं, उनको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उनमें हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं लगा सकते, उनको हम राइट नहीं कर सकते। और यहाँ ये स्टार बी लिखा रहा है, लोकेशन स्टार बी, बी वेरिएबल का नाम है, मतलब एरे वेरिएबल का नाम है, और स्टार उसकी पॉइंटर आ रहा है, पॉइंटर का आगे इंट्रोडक्शन आएगा एरे कंप्लीट होने के बाद, जो कुछ एरे से मिलता जुलता है, कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ हम ये मान लें कि कोई भी एरे है उसको जब कॉल किया जाता है और उसको यदि कॉन्स्टेंट क्वालिफायर के रूप में कॉल किया जाता है तो उसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो जब कोई एरे है उनको जो आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर्स हैं, वो यदि कॉन्स्टेंट क्वालिफायर पैरामीटर्स हैं तो उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम उन एलिमेंट्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई करने की हम कोशिश नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो ये उसको सिंटैक्स एरर मानेगा और कंपाइल टाइम एरर हमें देगा, मतलब हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगी।